आप सबने मैगी तो जरूर खाई होगी, बट क्या आपने कभी देखी है मैगी की जुड़वा बहन? मेरे ख्याल से मैगी भी इसको नहीं जानता है। क्या जाबा जाबा? बट क्या आप जानते हो इसे? मैं बिल्कुल नहीं जानती। फरेरो रोशर के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, क्या कभी आपने सुना है ये दिलकश डुप्लीकेट फरेरो रोशर के बारे में? नहीं। और गाइस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे इसी तरह के बहुत ही अमेजिंग ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। उससे पहले आपको मैं बता दूं इस वीक के सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक के बारे में, जो है गरिमा दुआ, निकिता नेहरा, रोशन शर्मा एंड वैभव। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं आपको बता दूं इस हफ्ते का सवाल क्या है। तो इस हफ्ते का सवाल है, आपको ऐसे कौन से डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है जो आपको ओरिजिनल से भी ज्यादा पसंद है? जैसे कि मुझे कुरकुरे से ज्यादा अच्छे लगते हैं टकाटक। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो अपना आंसर और अब करते हैं वीडियो को शुरू। बहुत सारी लगी है रातें। वाह। बहुत सारी लगी है रातें और बहुत सारे लगे हैं डेज टू फिल अ पैकेट ऑफ चिप्स विद लेज को कॉपी करना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको चिप्स थोड़े रखने और हवा ज्यादा रखनी है। यस, डुप्लीकेट पे हम लेके आए एक ये हल्दीराम के, एक ये पार्ले के, और कंपेयर करके देखे इनके अंदर हवा लेज को टक्कर देने वाली है या तो नहीं। ये देख के हैरान हूँ कि तीनों का येलो कलर भी सेम है यार। इन दोनों को तो बिल्कुल ही सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। ये कितने का पैकेट है? ये है 25 रुपीस का, जो असली वाला है 30 रुपीस। और ये पार्ले का है 30 रुपए का, जो कि मुझे लग रहा है सबसे छोटा पैकेट है, बट इसमें चिप्स ज्यादा लग रहे हैं मुझे। खोलते हैं पैकेट। तो जी इसमें लेस से हवा जो है कम है और चिप्स थोड़े से ज्यादा है। और ये चिप्स थोड़े अलग है दिखने में, है ना? क्लासिक सॉल्टेड टाइप है। हाँ, ये भी वैसे ही होंगे? नहीं, ये थोड़े धारीदार है। ये धारीदार है? नहीं नहीं, ओ ये सेम है दिखने में। हाँ, तो ये बेसिकली पैकेट कॉपी किया गया है लेज वालों का और चिप्स कॉपी किया गया है अंकल चिप्स वालों का। हाँ। यस। सिले सिले नहीं लग रहे? हल्दीराम के कैसे सिल गए? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। हवा कम थी ना इसमें, ये सिल गए हैं। वैसे ऐसे होते नहीं है, मैंने खाते हैं। ओके ओके लगे। ये पार्ले, ये वही वाले हैं जो पार्ले जी बेचते हैं? हाँ वही वही वही। अरे पार्ले वालों का ये पार्ले का पार्ले वेफर करते हैं। इसमें क्रंच काफी है, फ्लेवर भी अच्छा है, क्वालिटी और बेटर हो सकती थी मेरे ख्याल से। देखो इस ओरिजिनल वर्सेस डुप्लीकेट की सीरीज में ना हमें फाइंड आउट करना है कि डुप्लीकेट वाले कॉपी करके ओरिजिनल से बेटर बना पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो ऑलमोस्ट हर किसी ने खाया होता है। डुप्लीकेट नीड्स टू बी बेटर। और मेरे को इनमें से सब में से पसंद आए लेज। मुझे भी लेज अच्छा लगा। लेज बेशक हवा ज्यादा डाले, जो मर्जी हो, पेट आया पर नहीं। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? कुरकुरे की के लेज की। चलो अच्छा, तो अब चलते हैं अपनी अगली चीज की ओर। बचपन में टीवी में एक एड आया करती थी, उसके एंड में म्यूजिक आता था कुछ ऐसे टिंग टिंग टिंग, और अब हम ट्राई करने जा रहे हैं टिंग। हाय हाय। और जो डुप्लीकेट है वो है चार्ल्स बेरी गोल्ड थम्स अप का। ये थम्स अप ने कुछ नया निकाला है और स्टिंग जो है मार्केट में पहले आ गया ना, सबसे पहले मैं ही आया। इवन तो दोनों है कॉपी रेड बुल की, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है। कॉपी नहीं है मैं कहूंगा, इंस्पायर्ड सस्ता वर्जन है रेड बुल का। और ये बोलते हैं अपने आप को एनर्जी ड्रिंक, जो कि मैं कहीं ना कहीं शक करता हूँ है कि नहीं है। आपको हम पर भरोसा नहीं सर? देखो मीठा पानी है तो थोड़ी सी एनर्जी उस प्रकार आ जाती है अपने पास। ये है 30 रुपए की, वो है 40 रुपए की, और जरा आप दोनों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी बेटर है। दोनों सेम प्राइस रेंज में इसलिए हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं, बट सबसे पहले इतनी सस्ती एनर्जी ड्रिंक निकालने वाला स्टिंगी था इंडिया में। सेम कलर भाई, एक ही फैक्ट्री में भर रही है दो दो चीजें। तुम्हारी खत्म होगी ना क्वांटिटी? क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। मुक्ति तो मुझे लगता है ये कैन में, कैन में नहीं लग रहा था। कैन में ये थोड़ा मोटा है कैन, वो थोड़ा पतला कैन। तो चलो भाई, चीयर। कलर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब मैं ये बोलूं कैन में पीने की बजाय ग्लास में डाल के तो पी लिया लग रहा है ना। और एक हमारी ओम धातु की रेड टी रेड है, बात जहाँ मौका मिले प्रमोशन कर दे। एग्जैक्टली, डिट्टो। नहीं फर्क है, इसमें फेस थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा इसमें आफ्टर टेस्ट में कड़वापन है। और इसमें कड़वापन नहीं है, बट मतलब दोनों सेम ही मानता हूं। तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आप फर्क नहीं बता पाओगे दोनों में क्या है। फर्क है वही आफ्टर टेस्ट में, जो कोका कोला और थम्स अप में फर्क है ना, बस वो इन दोनों में फर्क है। मेरे पैर को कहते हैं इंग्लिश में माय फुट। वाह, जो चीज हम खाने लगे हैं वो है बिस्कुट। आए हाय हाय हाय। और ये कोई मामूली बिस्किट नहीं है, ये है बहुत ज्यादा
खास बिस्किट जो बनाए आलू से और नाम है इसका पोटाटा। पोटाटा तो एक तरीके से ये ऐसे लगता है कि चिप्स को बिस्किट की फॉर्म में दे दिया हुआ है। सही बात है तो देखो करा यही हुआ है, बट ये इतना ज्यादा बिक रहा था ना मार्केट में, कंपनियों ने सोचा कि भाई एक ही बंदा क्यों बेचे, हम भी बेचेंगे। और बड़ी बड़ी कंपनियां कॉपी कर रही है इसको। ये देखो यूनिबिक कंपनी से आया हुआ है इसका जुड़वा भाई। और ये कौन सी कंपनी है? ब्रिटानिया का है पोटैटोज नाम से। और जिस किसी ने ये बिस्किट अभी तक ट्राई नहीं किया ना, एक बार जरूर ट्राई करना। प्रिंगल्स का मोटा भाई है ये, मतलब ये ऐसे बिस्किट है अगर आपने एक खाया ना आप पूरा पैकेट खा जाओ। सही बात है, बहुत लग जाए ना। और एक और एडवाइस दूंगा मैं, इसको चाय के साथ खाना। एक बार देखते कि तीनों की शक्लें मैच कर रही है नहीं कर रही है। ऐसे शफल कर देना हम खुद नहीं बता पाएंगे कौन सा कौन सा है। हम तो बहुत दूर की बात है, भी एक जैसी है। आप तीनों की शक्ल मिलती है, जुड़वाओ। नहीं, हम तीनों तुड़वा है। सबसे पहले ओरिजिनल ही खा लेते हैं, बेंच मार्क रहेगा। चलो ओरिजिनल खा लेते हैं। ये देखो एक बार आप, ये ओरिजिनल है। मसाला इसका इतना गजब है ना, चीजी भाई, गजब मसाला है। आई लव दिस, आई सच्ची में लव दिस। अब यूनिबिक ट्राई करें। चलो बिल्कुल हूबहू थिकनेस तक सेम है। वो मुझे लग रहा है कि इनको पैसे दे रहे हैं कि हमारे पैकिंग करके भेज दो। थोड़ा सा फ्लेवर में मसाले का फ्लेवर अलग है, इसमें थोड़ा चाट मसाले वाला, चाट मसाला है। ये थोड़ा चीजी है बट टेक्सचर वगैरह बिल्कुल सेम डिट्टो। अब जरा ब्रिटानिया। चलो जी चीयर्स। ये उनसे ज्यादा क्रंची लगा, इसका मसाला भी अच्छा है, मैगी मसाला जैसा है। ब्रिटानिया ने अच्छी नकल मारी है, मुझे सच्ची में ब्रिटानिया की नकल बहुत अच्छी लगी और मसाला भी अच्छा है। इस कंपनी से हटके मैं ब्रिटानिया का भी ट्राई कर सकता हूँ और ये ओके ओके लगा मुझे यूनिबिक का। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि इनमें से वैसे कोई भी उठा लो अच्छा लगेगा, सारी बराबर। बट अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ब्रिटानिया का, ब्रिटानिया का ले लो। अगर आपको चीजी चाहिए तो ये वाला। हमारी फूडी फैमिली, उठ जाओ तुम अपने पैरों पे और ना करो किसी की भी वेट। वाह। और हम अब पीने लगे कोल्ड ड्रिंक डुप्लीकेट। वाह वाह। देखो अभी ना हम सिर्फ डुप्लीकेट वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आए, ओरिजिनल हम नहीं लेके आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताओ सही ये कोल्ड ड्रिंक और ये कोल्ड ड्रिंक, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ओरिजिनल कौन सी होगी और ये डुप्लीकेट किस चीज की है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो कंपनी है ना इन्होंने एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली है जो कि बहुत ही मतलब दिमाग वाली है। अच्छा। देखो ये कहती है बड़ी कंपनियों को कि तुम इनोवेट करो, तुम इनोवेट करो, तुम रिसर्च पे पैसा लगाओ, R&D करो, मार्केट रिसर्च करो। हमारे पास बंदे बैठे हैं जो वो आइडिया चोरी करके रीब्रांड करके बेच देंगे। यस, क्योंकि पैसा बहुत लगता है इन चीजों में और मार्केट में प्रोडक्ट चलाना इजी नहीं होता। Exactly. और कुछ ब्रांड उसी को कॉपी करके बस डाल देते हैं और उनका चल पड़ता है। अच्छी बात। इंपॉर्टेंट काम ये कि खोलने पे आवाज आएगी करके। आएगी गैस है उसके अंदर। देखो हम ग्लास लाए महंगे वाले, देखते हैं झाकी नहीं बनती है। मेरे ऊपर आएगी नहीं है। वो हिल क्यों रहे? तुमने हिला दिया, तुमने गिरा दिया। देखो कह रहा जाग आए ना, मैं इसके ऊपर खुद ही गिरा दे। यार अगर ओरिजिनल वाली कोल्ड ड्रिंक डाली होती ना वो अब तक ग्लास से निकल जाती। सही बात है, मैंने जिस हिसाब से डाली है ना निकल जाना चाहिए। चल पीछे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुम सोडा पी रहे हो। चलो ये लो। ऐसा लगा सर्फ पी लिया मैंने। नहीं, ओरिजिनल वाली के तो आस पास भी नहीं है। उन्होंने ना दिमाग लगा के एक चीज बनाई है जो लोगों ने अप्रिशिएट की है, पसंद की है, तो करके उनकी होती है सेल। मैं पता क्या सोच रहा था, उसकी कॉपी मारने से ये चीजें नहीं बिकेंगी। ये या नहीं है, ये सच्ची में है ना, ये या नहीं होना चाहिए। ये है कौन है? अबे कौन है तू? है कौन है ये भाई? जुतियां मारो थे, इतनी गंदी कॉपी मारी है। मेरे को पता क्या लगा था? हाँ। देखो ये बोतल है 100 रुपए की, जो कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइस है मार्केट का। 100 रुपए की वेस्टेज है ये। तो मुझे लगा था ये होगी बिल्कुल कोका कोला जैसी, और मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल कंपनी की R&D का इतना फायदा क्या हुआ, उनकी छुपाई हुई रेसिपी छुपी नहीं रही। बट वो डायलॉग बर्बाद हो गया मेरा। पर ये फिर भी मार दिया। अगले प्रोडक्ट पे आते हैं। माल बेचने से पहले कंपनियां दिखाती है अपने अपने ब्रोशर कंपैरिजन ऑफ फेरो रोशर। उसका कंपैरिजन होने वाला है ये दिल हार्ट शेप्ड चॉकलेट जिसका नाम है डेलिश प्रीमियम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या है, मार्केट में ना फेरो रोशर की कॉपियां बहुत ज्यादा मिलती है। हूबहू जुड़वा भाई लगते हैं इसके। अब जरा टेस्ट करके देखते हैं कि बेटर कौन सी है, क्या डुप्लीकेट अच्छा निकालता है। प्राइस कंपैरिजन
क्या है प्राइस? ये देखो, पहले तीन पीस आते होते थे फेरेरो रोशर के 100 रुपए के, बट अब ये 4 पीस निकाल रहे हैं 150 रुपए के। और डुप्लीकेट वाले भी ना पीछे नहीं है, ये डब्बा भी 100 रुपए के, 100 रुपए के 3 पीस है ये। और इतने चालू है ना, इन्होंने इस पे MRP नहीं लिखी हुई। हाँ। मतलब जिसका जो मन करे वो रेट पे बेच दे। कोई 25 का भी खरीद सकता है, कोई 2500 का भी खरीद सकता है, कोई खरीद ये ये मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है। अच्छा। बेसिकली आज हम चाइनीज चॉकलेट ट्राई कर रहे हैं। यार मैंने तो बचपन में ये सुना चाइना का माल सस्ते में, पर ये तो महंगा ही था। बहुत महंगा भाई, चाइना का भाई महंगा बिक रहा है। अगर ये 100 रुपए का डब्बा है तो एक चॉकलेट 33 रुपए की पड़ी, 30 रुपए की ना 3 अच्छी चॉकलेट आ जाती बड़ी बड़ी। अच्छा सोच लिया तूने, हिस्सा बराबर याद रखते हो। फेरेरो रोशर देखो सबने खोली होगी, हम ये खोल के देखते हैं। यार काफियों ने नहीं खोली होगी, महंगी होती है ये हमें भी ना छोटे होते गिफ्ट में मिल जाती थी तो खुश होते थे दिवाली के टाइम पे। दिवाली गिफ्ट ऐसा क्या हुआ जैसे इसमें सच्चे में बम्बे? देखना फेरेरो रोशर। ओ ओ क्या हुआ, खोल तो ले, पहली चिल्लाने लग गई। ये तो ओरियो कंपनी की लग रही है मुझे, काली। डोंट जज चॉकलेट बाय इट्स कलर, दिस इज वेरी बैड डिस्क्रिमिनेशन की है मुक्ति ने। नहीं बेटे मुक्ति वेरी बैड, ये लग रही है कि जल गई हो। पहले ये ट्राई करते हैं, इसको खोल के देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं पहले। टन टन ओहो, दो आवाज तो ऐसे निकाली जैसे अंदर से ऋतिक रोशन आएगा। हां और आगे करेगा एक पल का जीना फिर तो है जाना। नहीं है, चलो खा के देख लेते हैं। देखो तुम डुप्लीकेट लोग, डुप्लीकेट ही खाओ, मैं ओरिजिनल खाता हूँ। तो कंपेयर कैसे करोगे? बात है भी सही, खा तो लो। बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है यार, सोगी वाला क्रिस्पी है। सोगी यार होना नहीं चाहिए सोगी। मैं बताता हूँ टेस्ट कैसा है, आइसक्रीम के कोन आते होते थे ऑरेंज कलर के, उसको आप बारिशों में बाहर रख दो और अगली बारिशों में लेके आओ अंदर, और वो सोगी से ऐसे। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते हैं। आपको किसी सुपर मार्केट में ये वाली डेलिश की चॉकलेट मिले तो ना लेना, फेरेरो रोशर ले लेना। और साथ में और भी लोग होंगे ना जो उठाने लगेंगे, नहीं 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 नहीं, फूडी की वीडियो देखो पता लग जाएगा इसका टेस्ट कैसा है। फेरेरो रोशर इज एवर लास्टिंग, हमेशा सेम टेस्ट बेटर टेस्ट। देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, इवन वो अभी कोई माहौल था नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कर दो कर दो कर दो। ओंकार भाई गेट अप, टर्न अराउंड एंड शेक दैट बूटी, अब हम पिएंगे फ्रूटी। देखो जी फ्रूटी है बचपन का प्यार, बचपन में इतनी ज्यादा पी है ना, और तब से लेके अब तक इसका प्राइस है 10 रुपए, जो मानने के साथ उन्होंने साइज छोटा किया, प्राइस नहीं बढ़ाया है, अभी भी 10 की है। नाइस नाइस, मैं ये देख के हैरान हूं कि जो डुप्लीकेट है वो 20 रुपए की है। नकल कर रहे हैं, थोड़ी महंगी महंगी नकल। ये है किसकी, फ्रेश का मैंगो, और इन्होंने लिखना था फ्रेश मैंगो बट इनको स्पेलिंग नहीं आता, तो फ्रेश का मैंगो। इन्होंने छोटे भीम की शक्ल बना रखी है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चों की खाने पीने चीजों पे ना छोटा भीम लगाने से वो चीज अच्छी नहीं होती। पेटेंट होना चाहिए छोटा भीम। हाँ। हाँ, पैसे ज्यादा ही चाहिए, इसमें से 10 रुपए जो है ना वो छोटे भीम को जाने चाहिए। मैं पहले टेस्ट करूंगा फ्रूटी, नहीं पहले मैं ये डुप्लीकेट। 20 रुपए में ले लिए, स्ट्रॉ भी नहीं दी, बताओ गलत बात। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, इन्होंने इस पर बनाया छोटा भीम है पर साइज बड़ा कर दिया हुआ है। चलो भाई मीठा पूरा, मीठा कम में लगा मुझे और मीठा हो सकता था, फ्रूटी से कंपैरेटिवली कम है, फ्रूटी से कंपैरेटिवली कम लगा, बट ये भी हम ट्राई करेंगे एक बार। मतलब ओके, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि वाओ मजा आ गया, पर टेस्ट अजीब नहीं है, टेस्ट लाइक स्लाइस फ्रूटी जैसी टेस्ट है। अभी ओरिजिनल पी के देखते हैं फिर पता लगेगा। इसे मीठा एज यूजुअल दबा के, इसमें मीठा ठोक के है, उसमें मीठा रोक के है। यार सच्ची बोलूं टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम ही है, पर बच्चों को ना मीठा पसंद आता है पूरा ठोक के। सही बात, तो उनके लिए तो फ्रूटी है बेस्ट। इसी के कंपेटिटिव होते हैं माजा स्लाइस, तीनों सेम लगते हैं। ये थोड़े बड़े लोगों के लिए है जिनको मीठा थोड़ा सा रोक के पीना है, उन लोगों के लिए जो फ्रूटी में थोड़ा पानी डाल के पीते हैं ना, क्योंकि उसमें मीठा कम हो जाता है। हां मेरे पापा करते हैं। स्वाद कौन सी चीज है वो मैटर करता है, और फ्रूटी इसमें थी स्वाद। अब जरा अगली चीज करते हैं ट्राई। स्कूबी डू के कार्टून में मेरा फेवरेट करेक्टर हुआ करता था शैगी। अच्छा, और अब हम
खाएंगे मैगी। देखो जी ये है डुप्लीकेट, ये है ओरिजिनल। अब ना मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि क्या ये ज्यादा स्वाद होगी। तुमने ऐसा सोचने कैसे लिया? जितने भी मैगी लवर है कमेंट कर दो अनबॉक्सिंग करते हैं डुप्लीकेट की, आपको बताते हैं कैसी है ये। ईस्ट और वेस्ट मैगी इज द बेस्ट, वो तो बात सच्ची है। वैसे ये मैगी लग रही दिखने में, हूबहू मैगी। देखो मैगी ऐसी चीज है जो लोगों ने खाई भी बहुत है और कर्ली बालों वालों को इसके नाम से छेड़ा भी बहुत है। तब हमारे स्कूल टाइम में किसी के अगर कर्ली बाल होते तो बोलते थे मैगी आ गई, मैगी आ गई। सेम हूबहू हूबहू। चलो इसको डाल देते हैं पतीलों में और अब मसाले हूबहू। ओ हूबहू सीरियसली ओंकार, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चेंज हो गया मुझे लग रहा है। मुझे हां सच्ची में मैगी वाले ने अपना कलर चेंज कर दिया हुआ है और ये पुरानी मैगी जैसे रेड कलर में है। चलो जी अब डालते हैं मसाला अंदर। ओए होए 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 क्या बात है, मुक्ति के हाथ में ओरिजिनल मैगी और मेरे हाथ में डुप्लीकेट वाली मैगी और इस डुप्लीकेट वाली मैगी ने हमें हैरान कर दिया हुआ है। अपने होलिये से नहीं, अपने प्राइस से। यस भाई साहब, ये है 60 रुपए की असली, 60 की नहीं 55 की, 55 रुपीज की, 55 रुपए की असली मैगी है और 75 रुपीज की स्नैक टैग की नूडल है और देखने में बिल्कुल मैगी की लग रही है। मतलब कोई डिफरेंस एक बार आगे दिखा, मतलब कोई नहीं कह सकता कि हम दोनों है अलग अलग है जुदा जुदा, कोई नहीं कह सकता ये चीज। पहले ये ये लंबी लंबी मैगी नूडल्स खाने में मजा आता है। मेरे को तो मैगी जैसी लग रही है सच्ची में, मतलब मैं बताऊं अगर कोई मुझे एक खिला दे मैगी के नाम पे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मैगी नहीं है। सिमिलर तो है काफी, अगर नूडल की क्वालिटी में करें तो मुझे थोड़ा सा फर्क लगा है, हल्का सा। अगर मुझे ना पता होगा कि ये डुप्लीकेट है जज भी नहीं कर पाऊंगा सीरियसली। बट ऑब्वियसली सी बात है कि अगर दोनों का सेम टेस्ट हो तो बंदा सस्ती वाली लेगा, मैगी वाली कोई क्यों लेगा। वही बात तो सही है वैसे, और जो ब्रांड इतना बड़ा है तो बंदा वही प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ दिस। मैगी की बात अलग ही है, नहीं होगा डिफरेंस इतना नहीं पता चलता। अगर मुझे नहीं, नहीं बात अच्छी बुरी की नहीं, बात है कि अगर मुझे ये कोई खिलाए ना मेरे को पता ही लगेगा कि इसने क्या खिला दिया। अगर तुम पहाड़ों पे हो ना तुम बोलो भैया मैगी खिला दो, भैया पीछे से ये बना रहा है तो तुम ये खा लोगे। बात इनकी भी सही है, तो इसमें हम नंबर तो मैगी को ही देंगे क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो सस्ती भी है, वो सस्ती भी है। लोग करते हैं स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और इसका डुप्लीकेट निकाल दिया हुआ यूनिपिंग कंपनी ने। देखो इनका फॉन्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और बिस्किट का डिजाइन भी ऑलमोस्ट। ओहो बट देखो इसका फर्क देखो, इसमें सिंगल सिंगल पैकेट है दो दो बिस्किट के, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है ये महंगी चीज है, लोग ऐसे नहीं खाएंगे भूखो की तरह। पर ये की ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही चीज है, जैसे दो बिस्किट 15 बैग में रख लिया ना परफेक्ट फॉर दैट। अब जरा ये निकाल लो, साइज बड़ा लग रहा है। खुशबू लोटस जैसी लग रही है थोड़ी बहुत, सेम मुझे ऐसा लग रहा है, इसकी परफ्यूम आ जानी चाहिए। सिनेमन डाला हुआ इसमें, टेस्ट में फर्क थोड़ा सा है, सिनेमन का टेस्ट आ रहा है। अगर आपको सिनेमन फ्लेवर्ड स्नैक्स अच्छे लगते हैं काफी अच्छा लगेगा, दिस इज नाइस। और अब लोटस की बार रही, पर मुझे अब सिनेमन का ना आफ्टर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, मुझे अजीब सा आ रहा है ना। चलो जी ये ज्यादा टेस्टी है, टेस्टी बहुत ज्यादा है, बहुत जमीन आसमान का बहुत फर्क है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है लोटस, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मुझे बहुत पसंद है ये। इतना भी अच्छा नहीं है ये, पता है पता क्या है, ये खाने के बाद ये और स्वाद लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि इसमें सिनेमन का कोई टेस्ट नहीं, इसमें एक अलग सी महक है जो हर लोटस के मीठे प्रोडक्ट से आती है। डिजाइन कॉपी करना, रैपर कॉपी करना, फॉन्ट कॉपी करना, वो सब कुछ हो जाता है, बट टेस्ट कॉपी करना ना बहुत टफ पार्ट है और ये यूनिपिक वो पार्ट में फेल हो चुकी है। लाइफ में हर किसी के आते हैं अच्छे और बुरे फेज, और एक बार फिर से हम ट्राई करने वाले लेज, क्योंकि पिछली बारी जो हमने लेज कंपेयर किए थे वो थे बड़ी बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट वर्जन, पर इस बारी छोटी कंपनी भी एक है जो लेज को कॉपी कर रही है और ऐसी और भी मार्केट में बहुत ज्यादा आती है, बहुत सारी है। बट हमें देखो ये नहीं बोल सकते कि छोटी कंपनी है, हाँ क्योंकि हमें नहीं पता छोटी है बड़ी, हमने नहीं देखी बट इसलिए हमारे लिए छोटी है, कई लोग बोल रहे बड़ी कंपनी है हमें पता ही ना हो। और देखते हैं हवा किसमें ज्यादा है, हवा तो मुझे इसमें ज्यादा लग रही है यार।
खुल ही रहा है तो। देखो लेज में हवा बहुत है, लेज में तो हवा का बात है, इसमें भी बहुत है। तो इसने अच्छी कॉपी मारी है, ये डुप्लीकेट वर्जन अच्छा निकला। गुड गुड गुड, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और ये है फ्लेवर क्रीम एंड अनियन, काफी लोगों का फेवरेट, मुझे कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक मेरा फेवरेट होता था। हाँ बट मुझे अब नहीं इतना लगता, मैं अभी मैजिक मसाला पे दोबारा आ गया हूँ। इसको ना दोबारा से पैक करवा के ना जिससे दुकान से लाए उसको वापिस दे, बहुत बहुत गंदे है। ऑयल का जो स्मेल आ रही है ना, ऑयल की स्मेल नहीं पता नहीं क्या है। ये 25 रुपए के हैं और ये 25 के नहीं, 5 के होने चाहिए, 5 रुपए के भी नहीं है। पर सिले हुए नहीं लग रहे, सिले हुए हैं, गंदा तेल का टेस्ट आ रहा है। दिस इज वर्स्ट चिप्स आई हैव एवर हैड, बेकार सी चीज हमने खा लिया। सारा मूड खराब हो रहा है, काफी बड़ी ऐसा होता है कि सब कुछ सही जा रहा है पर एंड में, एंड में गड़बड़ ऐसा लास्ट बचता है ना, मूड ही खराब हो जाता है। तौबा तौबा कर दी हुई है, इसको स्टेपल कर। दुकान वाले भैया को बोला हमने खोला नहीं है। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, और ओरिजिनल चीजें जो है ना वो मैन ऑफ द मैच बन चुकी हुई है आज की उस वीडियो। सही बात है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, रीति रिवाज पूरे कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तू बस बोलती रहती है, कोई करता ही नहीं है फॉलो, ऐसा करो मुझे फॉलो कर लेना। ओंकार नामा के नाम से, आई आदित्य गौतम, आई आदित्य गौतम, यस, बाय।